हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं DOE की ऑफिशियल वेबसाइट को इस मैप पर हम विजिट कर रहे हैं और आज डेट है 11 अप्रैल 2022 और मंडे की शाम में अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा यहां बड़ी खुशखबरी एक जारी की गई है। गेस्ट टीचर के रिगार्डिंग एक काफी अच्छी लिस्ट जारी की गई है और जिसमें उन सभी गेस्ट टीचर्स के नाम अनाउंस किए गए हैं जिनको स्कूल री एलोकेट किए गए हैं या फिर जो रिलीव्ड किए गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं DOE के द्वारा आज अभी कौन सी अपडेट को जारी किया गया। देखिए, पब्लिक सर्कुलर इस ऑप्शन में आपको जाकर क्लिक करना होता है। जो भी ये न्यू अपडेट DOE के द्वारा जारी की गई थी, ये सब अपडेट हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। इससे प्रीवियस जो वीडियो चैनल पर अपलोड की गई है उसमें आप इनको देख पाएंगे। सारे नोटिसेस के बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। और फ्रेंड्स, अभी ये दो नोटिस न्यू अपडेट किए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। 11/4/2022 की लेटेस्ट अपडेट है ये दोनों। तो आइए इन नोटिसेस को हम एक बार चेक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये नोटिस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है edudl.nic.in। तो अभी की ये लेटेस्ट अपडेट आप देख सकते हैं, ऑर्डर जारी किए गए हैं गेस्ट टीचर के रिगार्डिंग जिनको एंगेज किया गया है और कुछ ऐसे गेस्ट टीचर हैं जिनको की रिलीव किया जाना है। तो ये पूरी डिटेल आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। देखिए, पहली जो पोस्ट है नर्सरी टीचर की है, ये टेबल ए यहाँ दी गई है। इसमें गेस्ट टीचर्स हैं जो की एंगेज हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जिनको अभी ज्वाइनिंग करनी है। ये एप्लीकेशन ID, नेम, पोस्ट, आपके टोटल वर्किंग डेज, एलोकेटेड स्कूल ID आपकी और एलोकेटेड स्कूल नेम, ठीक है, ये सब आपकी डिटेल यहाँ मेंशन कर दी गई है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको लिस्ट को ध्यान से चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपका नाम भी यहाँ मेंशन किया गया हो। देखिए, कितने सारे गेस्ट टीचर्स को बहुत अच्छा अवसर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 48 गेस्ट टीचर्स हैं ये जिनको की एंगेज किया गया है, नर्सरी टीचर्स हैं ये। और इन गेस्ट टीचर्स को कब रिलीव किया जाएगा, जब ये गेस्ट टीचर है जो टेबल ए के, जब ये रिपोर्ट कर देंगे अपने रिस्पेक्टिव एलोकेटेड स्कूल्स में जो कि इनके नाम के सामने दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो टेबल ए के जब गेस्ट टीचर्स रिपोर्ट कर देंगे अपने एलोकेटेड स्कूल में, उसके बाद ही टेबल बी के जो गेस्ट टीचर्स हैं इनको रिलीव किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ID, नेम, पोस्ट, स्कूल ID, वर्किंग डेज, ये सब यहाँ इनका बता दिया गया है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इसमें भी आप देख सकते हैं टेबल ए है ये गेस्ट टीचर्स की जो कि एंगेज किए गए हैं। इनकी एप्लीकेशन ID, नेम, पोस्ट, वर्किंग डेज, एलोकेटेड स्कूल ID और एलोकेटेड स्कूल नेम, ये सब यहाँ पर आपके नाम के ठीक सामने सब बता दिया गया है। तो इसको ध्यान से आप देखिएगा फ्रेंड्स, हो सकता है आपका नेम भी यहाँ पर मेंशन किया गया हो। देखिए, काफी गेस्ट टीचर्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है जो कि एंगेज किए जाने हैं। और ये फ्रेंड्स 79 गेस्ट टीचर्स हैं जिनकी ये लिस्ट जारी की गई है। और ये है टेबल बी जिसमें वो गेस्ट टीचर्स हैं जिनको की रिलीव किया जाना है, और ये रिलीव तभी होंगे जब टेबल ए के जो गेस्ट टीचर्स हैं वो अपने एलोकेटेड स्कूल में रिपोर्ट कर देंगे, जो उनके नेम के सामने बताया गया है उनका स्कूल, तो उस स्कूल में रिपोर्ट करना होगा आपको। और ये है नेक्स्ट पोस्ट फ्रेंड्स TGT PAT मेल गेस्ट टीचर्स की जो की एंगेज्ड है। यहाँ इनके नेम, ID, पोस्ट, वर्किंग डेज, एलोकेटेड स्कूल ID, एलोकेटेड स्कूल नेम, ये सब बता दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये 24 गेस्ट टीचर्स हैं जिनके यहाँ ये लिस्ट बनाई गई है। और TGT PAT फीमेल गेस्ट टीचर्स ये एंगेज्ड हैं, ठीक है, इनको और ज्वाइनिंग का अभी अवसर दिया जा रहा है। इनके एप्लीकेशन ID, नेम, पोस्ट, वर्किंग डेज, एलोकेटेड स्कूल ID, एलोकेटेड स्कूल नेम, ये सब बता दिया गया है। और फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो गेस्ट टीचर्स हैं इनको डायरेक्टेड किया गया है रिपोर्ट करने के लिए जो भी इनको एलोकेटेड स्कूल मिले हैं। तो 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको जो आपका एलोकेटेड स्कूल है जो आपके नाम के ठीक सामने दिया गया है, जिस तरह से यहाँ पर ये मेंशन किया गया है, इस स्कूल में जाकर आपको रिपोर्ट करनी होगी 5 वर्किंग डेज के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक बड़ी अपडेट थी, बड़ी खुशखबरी भी इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि काफी कैंडिडेट को इस लिस्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार था। गेस्ट टीचर्स की कई क्वेरीज हमारे पास इसके रिगार्डिंग आ रही थी। और फ्रेंड्स, ये एक नोटिस और DOE के द्वारा जारी किया गया है, आइए इसे भी देख लेते हैं। देखिए, अभी की लेटेस्ट अपडेट है। और फ्रेंड्स, ये नोटिस है, देखिए, एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, यहाँ पर जो इनकी ड्यूटी ज्वाइन करने की डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब इनको टाइम बढ़ा कर अब दिया गया है। ये आपका नेम, आपका रोल नंबर,
लेक्चरर हिस्ट्री ये आपकी पोस्ट है, तो आपको यहाँ पर 7 डेज का पीरियड एक्सटेंड करके दिया जा रहा है, बढ़ाकर आपकी डेट दी जा रही है ज्वाइनिंग करने के लिए। 18/4/2022 तक का समय आपको दिया जा रहा है फ्रेंड्स, और 7 डेज के अंदर अगर आप यहाँ पर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जा सकता है बिना किसी फर्दर कम्युनिकेशन के, कोई आपको एक्स्ट्रा नोटिस और नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो ज्वाइनिंग डेट दी गई है इस गिवन टाइम पीरियड के अंदर आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यही एक लेटेस्ट अपडेट थी जो कि अभी अभी डीओई के द्वारा जारी की गई थी, जो कि हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज अभी तक कोई अपडेट जारी नहीं की गई है, काफी कैंडिडेट को वेट है, इंतजार है उनके रिकॉल नोटिस का, उनकी कट ऑफ का या ईडोजर के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आनी थी। और फ्रेंड्स, क्योंकि वर्कलोड ज्यादा बढ़ा हुआ है तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है DSSSB की वो भी आज प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, ऑफिशियल वेबसाइट का सर्वर डाउन चल रहा है, तो इसलिए अभी तक कोई अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।